4 सितंबर 1954 को सैंटियागो फ्लाइट में कुल 35 लोग बैठ के जर्मनी से ब्राज़ील का सफ़र कर रहे थे। ये सफ़र कुल 18 घंटे का होना था, लेकिन मिड अटलांटिक में पहुंच के उनका कॉन्टैक्ट अथॉरिटीज़ के साथ टूट गया। काफ़ी देर कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से अथॉरिटीज़ को लगा कि वह प्लेन क्रैश हो गया है और उसके काफ़ी पीसेस वहाँ बिखर गए हैं। जब वे पीसेस को ढूंढने गए तो वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। समय बीतता गया और लोग ये सोचने लग गए कि वह क्रैश होकर ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर 35 साल बाद अक्टूबर 12, 1989 को ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे नाम के एयरपोर्ट पे यह प्लेन फिर से लैंड करता है। फिर अथॉरिटीज़ ने उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने देखा कि प्लेन में पायलट और सबके कंकाल पड़े थे। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर